स्वागत है हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। यह है बाइक का कार्बोरेटर और ये कार्बोरेटर हम लोग अपने हाथ से ख़राब कर देते हैं। क्यों ख़राब कर देता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जो मैकेनिक क्या गलती करता है और क्या सही करता है ये हर कोई चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि ये कार्बोरेटर जो चीज़ है, इस सब कार्बोरेटर को हम लोग किस तरह से चेकअप करें, किस तरह से हम लोग वॉश करें, किस तरह से हम इसे खोल सकते हैं कि नहीं, जैसे कि हर सर्विसिंग में कार्बोरेटर साफ़ करना ज़रूरी है या नहीं है, इस वीडियो में अगर पूरा हम आपको बताएं। मैकेनिक क्या गलती करता है जो हर सर्विसिंग पर ये कार्बोरेटर खोल के वॉश कर लेता है। दोस्तों क्या सच में हम लोगों को सर्विसिंग में कार्बोरेटर वॉश करना चाहिए? जैसे कि बाइक में कोई भी बीमारी नहीं है और हम लोग कार्बोरेटर क्या हम सच में वॉश कर सकते हैं? तो इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कार्बोरेटर किस टाइम पे आप लोग कार्बोरेटर को खोलना चाहिए और किस टाइम पर काम करना चाहिए, मैं इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। और एक चीज़ जो कार्बोरेटर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ओवरफ्लो, जैसे कि बाइक में ओवरफ्लो होता है और तेल गिरता है, तो इस वीडियो में बताऊंगा जो ओवरफ्लो किस तरह से हम लोग सॉल्व करें। जैसे कि बाइक में माइलेज अगर ख़राब आए तो हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये सब कुछ चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में प्रॉब्लम होता है कार्बोरेटर को लेके, ओवरफ्लो और माइलेज प्रॉब्लम और जैसे कि टर्न वगैरह, तो ये सब का चीज़ में ये वीडियो का टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हमारा बेल आइकन घंटा है उसे फट करके दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक कार्बोरेटर ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है, एक पतला मार्तुल होना चाहिए और ये है ओवरफ्लो ठीक करने के लिए। जैसे कि बाइक में अगर ओवरफ्लो होता है तो ये चीज़ का मेरा ज़रूरत पड़ता है। और दोस्तों ये जो वायर है इसमें हम कार्बोरेटर का जेट परिष्कार वॉश कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपको तार दिखाई दे रहा है, ये टेम्पर वाला तार है, इसमें हम ओरिंग निकालने के लिए है और इसमें सफ़ा करने के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल ये है कि जैसे बाइक में ओवरफ्लो, तेल ओवरफ्लो होता है, ऐसा पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक गलती कर देता है जो फ्लोट और फ्लोट पिन को चेंज कर देता है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये 100% मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम लोग जो ओवरफ्लो होता है इसे ठीक करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करता है बाइक का ओवरफ्लो लेके, क्योंकि ओवरफ्लो का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और कार्बोरेटर चेंज कर देता है फिर भी कुछ दिन जाने के बाद फिर भी ओवरफ्लो न्यू लगाने के बाद भी हो जाता है, तो ये क्यों होता है सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल्स में बताऊँगा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं कार्बोरेटर में जो ख़राबी होता है उसकी चीज़ के बारे में बताऊँगा। जैसे कि हमने इस नट को खोलते हैं, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कार्बोरेटर का ओवरफ्लो खोला, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहा है मैंने कार्बोरेटर खोल दिया है फ्रेंड्स। और जैसे कि ओवरफ्लो के लिए हमने खोला है और हम लोग क्या चेक करें जो ओवरफ्लो होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं इस पिन को खोलता हूँ, ठीक है। खोलने के बाद इसके अंदर एक वाल्व पिन होता है जैसे कि पेट्रोल को ऑटोमेटिक ऑन करता है। तो ये जो जगह है देखो फ्रेंड्स, ये जो जगह है ये कार्बन से ख़राब हो चुकी है। अब हम लोगों को ये जो कार्बन होता है इसे वॉश करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि अच्छी तरह से हम लोगों को सफाई करना पड़ेगा। इसमें कचरा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कचरा अगर रहेगा यहाँ तो कभी भी हम लोगों का जो ओवरफ्लो है वो ख़त्म नहीं होगा फ्रेंड्स। और इसे अच्छी तरह से हम लोग वॉश भी करना पड़ेगा। अब हम सवाल ये है हम यहाँ इसे डाल देंगे, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं खेलेगा तो ये क्या होगा, जो हमारा वाल्व है जैसे कि फ्लोट पिन है ये नहीं खेलेगा, तो नहीं ना खेलने का कारण तेल ओवर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी कचरा हो जाता है,
ये कचरा को हम लोग किस तरह से साफ करें और किस तरह से इसे ठीक करें। जैसे कि ये हमारा कार्बोरेटर बॉडी जो होता है, थ्रोटल बॉडी जो होता है, अगर ये ख़राब हो जाएगा, इसका अंदर जो छेद होता है, बोरिंग जो होता है, ये अगर ख़राब हो जाए तो हम लोग किस तरह से ठीक करें, हमारे पास इसका भी हल है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ये जो बांस होता है, बांस का काठी हमने बनाया है और इसके अंदर हम इस छेद में घुसाएंगे। तो इसे हम बोर किस तरह से करें, जैसे कि यहाँ एक काटिंग होता है, देखो ये वाल्व की काटिंग होता है, और वो जो नीचे वाला जो थ्रोटल बॉडी में जो काटिंग होता है, ये ख़राब हो जाता है। अब इसे ठीक किस तरह से करें दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ड्रिल मशीन है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, हम 100% ठीक हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। जैसे कि मेरे पास ये लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि इस ये जो ग्राइंडिंग पेस्ट है, ग्राइंडिंग पेस्ट थोड़ा हम इसे लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का लगाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा हम पेट्रोल डाल देंगे ताकि ये लुब्रिकेंट करे, और इसके अंदर छेद में हम घुसाएंगे, ठीक है। घुसाने के बाद हम ये मोटर चालू करेंगे, तो देखो इसके अंदर जितना भी कचरा है और इसका जो बोरिंग है, ऑटोमेटिक बोरिंग कर रहा है। इसे हम 2 मिनट घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा कटने से दिक्कत करेगा। तो मेरी है फ्रेंड, अब हम इसे निकाल रहूँगा, जितना भी कचरा है सब कुछ निकल चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या पोजीशन है। तो इसमें जितना भी मैल था और बोरिंग का काटिंग बना दिया है, अब हम इसे वॉश करेंगे। इस तरह से करें तो फ्रेंड्स, चलो इसे हम वॉश कर लेते हैं। इधर से पेट्रोल डालेंगे और ये ऑटोमेटिक निकल आएगा, फिर हम इसे ब्रश लेके इसके अंदर जितना भी कचरा वगैरह हमने डाला है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ जो बिल्कुल कार्बोरेटर ठीक होता है कि नहीं। थोड़ा जूम करो, देखो कितना यहाँ सफाई हो चुकी है, और इसका जो काटिंग है बिल्कुल गोल हो चुकी है, और वहाँ ये जो पिन जाके, ये पिन जाके आसानी से लॉक कर देगा पेट्रोल को। अब हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं ये सच में लॉक हुआ है कि नहीं। तो आपको पता किस तरह से चले जो यहाँ लॉक हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, ये भी मैं आपको क्लियरली दूर कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कि मैंने यहाँ फ्लोट पिन लगा दिया है, अब एक चीज़ हम यहाँ गौर करेंगे, जैसे कि इस पर हम फूँ देंगे और इसे हम वॉप ऑन करेंगे, हमारा हवा बता जो होता है उसे लॉक करता है कि नहीं। तो देखो ये बिल्कुल लॉक कर रहा है। तो सवाल यह है ओवर कूलर किस तरह से ठीक करें, मैंने आपको बताया जो आप लोग इस तरह से ठीक करो, अगर नहीं होता है तो फ्लोट का जो पिन होता है उसे चेंज कर दीजिए। और दोस्तों सवाल यह है, बाइक में लगा के दिखा लेता हूँ। जैसे कि मैंने पेट्रोल ऑन करा, देखो ऑन कर रहा हूँ, पेट्रोल गिर रहा है, अब देखो इसे हम इस तरह से छोड़ेंगे, बंद हो गया, देखो फिर छोड़ता हूँ आता है, ठीक है। ये पेट्रोल ऑटोमेटिक डब्बा में आएगा और ऑटोमेटिक इसे लॉक कर देगा, देखो आ रहा है और देखो बंद हो गया। तो दोस्तों ये आसानी से बंद हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को दिखाया जो किस तरह से ओवरफ्लो चेक करें, आप लोगों को बताया जो ओवरफ्लो हम लोग किस तरह से ठीक करें। अब ओवरफ्लो तो हो गया, अब हम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, जेट किस तरह से हम लोग वॉश करें। तो जेट का जो यहाँ छेद होता है फ्रेंड्स, इसे हम वायर भरेंगे, ठीक है, जैसे कि वायर भरेंगे इस तरह से, और हम इस तरह से हर कोई छेद को वॉश करेंगे, ठीक है। जितना भी छेद है आहिस्ता आहिस्ता करके हर कोई छेद को हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ पेट्रोल डाल के अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे, सफाई करने के बाद हम पोंछ देंगे। तो जेट को इस तरह से वॉश करता है। अब सवाल है, जब बाइक में अगर जैसे कि माइलेज कम आ रहा है,
ट्यूनिंग ठीक से नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ हम लोग किस तरह से चेकअप करें और किस तरह से हम लोग देखिए जो इसका अंदर जो ओरिंग होता है वो अगर ओरिंग अगर ख़राब रहे तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्यूनिंग काम नहीं करेगा, वो भी आपको क्लियरली दूर कर देता हूँ। और जैसे कि और भी कुछ होता है तो इसके लिए ओरिंग निकालने के लिए एक मुझे वायर का ये सिल्वर का तार का ज़रूरत होता है, तो चलो इसे भी हम निकालते हैं और आप लोगों को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो इसका तेल ओरिंग होता है, ये ख़राब हो चुकी है, इसको न्यू डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा ये आपको बता देता हूँ, जो इसका छेद है फ्रेंड्स ये काम नहीं करता है देखो, तो अगर ये ख़राब हो जाता है ओरिंग तो आप लोगों को न्यू डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी डाला, आप अगर आपका पास ख़राब निकलता है तो इसे निकाल के इसे अच्छी तरह से लगा के अब इस नाट को जैसे कि हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट हम इस नाट को किस तरह से करें, कार्बोरेटर में ये ऑक्सीजन जैसे कि ये अंदर जाता है इंजन के अंदर और ये इंडेक वाल्व की तरफ से टांगता है एयर किनार से, जो बतास जो लेता है फ्रेंड्स जो कार्बोरेटर लगा रहता है चैम्बर में, ये जो आरपीएम का नाट है इसे हम स्लाइड को ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक आरपीएम बढ़ेगा। तो हम लोग आरपीएम थोड़ा हाई करेंगे, करने के बाद अब इस नाट को हम एडजस्ट किस तरह से करें, इसे हम टाइट करेंगे फ्रेंड्स, टाइट करेंगे। अगर आरपीएम ज़्यादा कहाँ पर आता है वो सब चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा। जब हम इसे टाइट करते हैं तो आरपीएम कम होता है, फिर हम ढीला करेंगे, ठीक है। ढीला करते करते अगर आरपीएम मेरा ज़्यादा आ गया वहाँ पर हम इस नाट को रख देंगे। ये नाट हम अपने हिसाब से नहीं रख सकते हैं, बहुत कोई मैकेनिक बोलता है इसको एक पैंच रखना पड़ेगा, सुआ पैंच रखना पड़ेगा, दो पैंच रखना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत बात है। इस नाट को हम अपने हिसाब से नहीं रख सकता है, इंजन कितना ऑक्सीजन लेता है, कितना एयर मिक्सिंग लेता है, ये सब कुछ चीज़ इंजन डिफरेंस करता है जो उसमें कितना हवा प्रयोजन है, जैसे कि इसमें कितना पेट्रोल ज़रूरत है, यही मेंटेनेंस करता है इस नाट के ऊपर ही। तो हम इसे थोड़ा ढील टाइट करेंगे और महसूस करेंगे कहाँ आरपीएम ज़्यादा हाई होता है उसी जगह को इस नाट को रख देंगे। रखने के बाद आरपीएम नाट को हम जैसे कि इसको लो कर देंगे, बस ये आरपीएम मिल जाएगा। अब सवाल ये है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया ओवर फ्लो जेट ट्यूनिंग किस तरह से करें, अब आपको बताता हूँ एक चीज़ मैकेनिक गलती क्या करता है और कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों जैसे कि आपके शॉप पे बाइक आता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कार्बोरेटर सच में खुलना चाहिए, अगर अच्छी बाइक रहे कोई दिक्कत नहीं तो कार्बोरेटर हम लोगों को वॉश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत बात है, आप लोगों को कार्बोरेटर वॉश करना नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो बाइक में, जैसे कि आपको महसूस होता है कि नहीं कार्बोरेटर का प्रॉब्लम है, जब हम पिकअप देता है एक्सीलेटर देता है तो कोई बाइक ठीक से नहीं थम, जैसे कि थामता है, जैसे कि बाइक में झटका आता है, जैसे कि बहुत कोई बीमारी होता है, तेल ओवर होता है, इसका कारण ही आपको कार्बोरेटर खोलना है सिर्फ। और अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तो ही खोलना है, जैसे कि कार्बोरेटर में तेल ओवर फ्लो होना, जैसे कि माइलेज ख़राब होना, जैसे कि झटका आ रहा है, बाइक ठीक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसी टाइम आपको खोलना पड़ेगा और चेकअप करना पड़ेगा और आप लोगों को अच्छी तरह से खोलना पड़ेगा, अच्छी तरह से फीडिंग करना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं बताया कार्बोरेटर अपने मर्जी से नहीं खोलिए, अगर बाइक बोल रहा है कि मुझे कुछ बीमारी हुआ है तभी आप कार्बोरेटर को खोलिए, तभी ज़रूरत होता है, वरना कंपनी बोलता है, इंजीनियर बोलता है कार्बोरेटर को आप बार बार नहीं खोल सकते, क्योंकि इसका अंदर जो सेटिंग होता है वो सेटिंग ख़राब हो जाता है, ख़राब होने का कारण ही ये कार्बोरेटर में बीमारी होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया जो ओवर फ्लो किस तरह से हम लोग ठीक करें, जैसे कि अगर बाइक में माइलेज ख़राब हो तो किस तरह से हम लोग माइलेज का ट्यूनिंग करें, अगर जेट में प्रॉब्लम हो तो किस तरह से हम लोग जेट को सफाई करें, आप लोगों को अच्छी तरह से बताया। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हमारा अच्छा लगे फ्रेंड्स तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलेगा मेरे चैनल पर बाइक रिलेटेड वीडियो। तो मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप लोग देख रहे हैं मेरा सजीर बाइक गुरु हिंदी चैनल, और मेरा एक चैनल और भी है जो सेकेंड चैनल सजीर बाइक गुरु 2। तो फ्रेंड्स मेरा दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि दोनों में ही हम बाइक रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु के साथ।